कानपुर नगर से है। महिलाओं एवं महिला पुलिस कर्मियों के सशक्तिकरण के लिए कार्यशाला का आयोजन पावर ग्रास रूट इंपैक्ट स्टार्टअप संस्था द्वारा महिलाओं एवं महिला पुलिस कर्मियों के सशक्ति के संदर्भ में कार्यशाला का आयोजन होटल सेलिब्रेशन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि IPS प्रमोद कुमार RK अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लेकिन बस बात क्या है कि हम अपनी शक्ति को भूलते जा रहे हैं। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी उनके पास उड़ने की शक्ति थी, लेकिन वो इस शक्ति से वंचित नहीं थे, बाल रूप में ही वो इस चीज को भूल गए थे। लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब किसी लैपटॉप पे यूज करता है या किसी दूसरे गैजेट पे यूज करते हैं, तो वो कंप्यूटर ये जानता है कि इस ईमेल आईडी, इस आईपी एड्रेस, इस आदमी, इस महिला या कोई भी बच्चा वही टाइप की एडवर्टाइजमेंट दूसरे गैजेट पे भी भेजेगा। अब किसी ने आपको और दूसरा कि आप थाने में थे, आप कहीं गश्त पे थे, आप दिल्ली में थे, लेकिन कंप्यूटर की आईडी आप उस पे भी हुई थी और घर पे 12 साल का 14 साल का बच्चा या बच्ची बैठा वो मोबाइल देख रहा है, उस पे भी हुई है, वो भी आदमी नहीं मानता है। आप एक बहुत बेसिक रूल है ट्रैफिक रूल, वो तो उसको खुद चोट लगेगी अगर वो हेलमेट नहीं पहनेगा, सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, उसको खुद ही चोट लगेगी। उसका भी रूल बना हुआ, वो भी नहीं मानते। तो कोई भी रूल हमारे जो लाइफ में रूल है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बने हुए हैं, वो तब तक कोई यूजफुल नहीं होंगे जब तक हम उनको खुद नहीं मानेंगे। हमारी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो नारी हैं, वो प्रभु ने ही उनको सशक्तिकरण दे के भेजा है, लेकिन हमें अपने अगल बगल वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। हर आदमी ये चाहता है कि दूसरे के घर में ऐसा हो, लेकिन हमको अपने घर पे, अपने घर में देखना पड़ेगा। हमें अपने घर में लड़के और लड़की के बीच में अंतर नहीं करना पड़ेगा। हर आदमी ये आपने सुना होगा कि लड़के कभी रोते नहीं हैं, और तो हम अपने आप ही बता रहे हैं कि रोना एक वीकनेस है, महिलाएं रोती हैं तो वो वीक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको लड़का लड़की के बराबर में करना चाहिए। अगर हम अपनी माता का, अपनी वाइफ का बराबर इज्जत करेंगे तो लड़के हमारे वही देखेंगे, बच्चियों को भी सशक्तिकरण मिलेगी। तो उनकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राइट्स और रूल्स सरकार ने बहुत सारे बना लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बन गए, लेकिन जब तक हम लोग उनको मानेंगे नहीं, जब तक उसका ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी संस्था है पावर, उसका टैगलाइन है ग्रास रूट इम्पैक्ट, मतलब हम जड़ों के लेवल पे काम करके एजुकेशन के थ्रू सब चीज़ों, सब लोगों को एम्पावर करेंगे, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप लिटरेसी है, ताकि वो पैसे का हिसाब रखना जाने, कोई पैसे की उन्हें बात पता हो, बैंक का काम कर पाएँ, घर में अगर कोई आपदा आ जाए तो वो घर के पैसे का हिसाब कर पाएँ। लीगल लिटरेसी, उनके जो राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, कई बार हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या होती है, तो उनको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है उस बात पे। फिर हम हेल्थ लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग ने देखा होगा कि माताएं या वाइफ्स घर में खाना आखिरी में खाती हैं, कुछ नहीं बचा तो कभी अचार से खा लिया, कभी किसी से खा लिया, वो ऐसा कभी नहीं होता है कि वो अगर खाना कम पड़ गया बाई एनी चांस तो वो खा लें। पहले घर के बुज़ुर्गों को मिलता है, फिर बच्चों को मिलता है, फिर हस्बैंड खाते हैं, फिर उनको मिलता है, तो उनकी भी शरीर में जो कमी हो रही है वो कैसे पूरी होगी। तो उनको अपने खाने पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फिर बहुत सारी बीमारियां हैं जो अगर वो खुद घर पे सेल्फ हेल्प चेक करते रहें तो उनको फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाएगा, तो फिर उसको थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज में इलाज करने में बहुत दिक्कत आती है, फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाएगा तो बहुत आसानी होगी। फिर एंटरप्रेन्योरशिप की लिटरेसी भी दी जाएगी कि अगर कोई वो व्यापार करना चाहते हो कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा लॉकडाउन जब लग गया तो लोगों को बहुत परेशानी आई, लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था, कई लोग नेट बैंकिंग नहीं इस्तेमाल करते थे, बैंक बंद है, नेट बैंकिंग आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो पैसे का कोई लेन देन नहीं हो पा रहा है। फिर बहुत सारी सरकार की स्कीम है जो महिलाओं के लिए हैं कि उन्हें बिना लोन, बिना कोलेटरल के पैसा मिल सकता है थोड़े दिन का, बिना पैसा वापस करने वाला, बिना ब्याज का, लेकिन जब उन्हें कुछ पता होगा तभी तो वो कर पाएंगे। अब वैसे तो ये सारी सुविधाएं, सारी नॉलेज इंटरनेट पे, सरकारी ऑफिसों में, सब जगह डिस्प्ले पे लगी है, लेकिन कोई किस सही सवाल पूछना भी हमको आना चाहिए। तो जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन